ट्रेन की गई थी। ये तो बढ़िया बीकानेर में बैठ लो। बीकानेर पे बैठ कर हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अब हम ग्राउंड पर से घर आ रहे हैं और हमें मिला है यहाँ पर सिंह हाथी का दांत। या ये क्या है गाइस, बताओ, कमेंट करके बताओ गाइस ये क्या है, सभी बताओ भाई क्या है ये। देखा है भाई, ये सिंह है, हाथी का दांत है। कौन था है असली, मैं ना जानता। सिंह है क्यों, हाथी का दांत है की का दात 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 सिंह दांत दांत पाओगा दात पाओगा देख सिंह से दो दांत नहीं लग रहे अगर उसका बार। तो भाई हमारा बहुत हिस्टोरिक प्लेस पे खड़े हैं, बेरी के बड़े ग्राउंड में खड़े हैं। तो हमने पेरा नहीं ओके है, बल्कि सिंह के लागे यार मना हाथी थोड़ा तकड़ा मुंह बकवास करे भाई सिंह है। देख सको देखा नर दिख है, क्योंकि दांत तो धोड़ा होया अगर काका काला थोड़ी होया अगर। देख लो भाई यार कितना पढ़ रहा है, बारहवीं कर रहा है। आज एक और खुशखबरी बारहवीं तैयार है भाई, अरसू भाई का रिजल्ट आ गया, 72% अरसू भाई का नंबर आया है। कति माता के दया था पास होया है, पापा की दया था पास होया भाई। तो आज भाई पार्टी देगा, पार्टी है भाई, सारे सारे भाई आज हो भाई, फुल पार्टी अरसू भाई की। और सक्षम भाई का 82% सक्षम भाई, 81 क्या परसेंट आए हैं, 81 बस देख ले देख ले भाई। अरसू भाई फिर भी खुश है, सक्षम भाई फिर भी खुश को नहीं, तो पापा की परियाला काम कर दिया। तो आज भाई दोनों भाई पार्टी देवेंगे, आज तो हमारी पार्टी है, ब्रेकफास्ट हमारा ना ब्रेकफास्ट नहीं लंच है, लंच हाँ। तो ये भी सिंह ने बगदर दिया डी किता, जिसका होगा ले जाएगा, जिसका होगा ले जाएगा भाई, अपना जोड़ का फेविक विकता है ये पता लग रहा। चलो गाइस, रोहित भाई अब आ गए हैं हेयर कटिंग कराने, पता नहीं क्या करके माने रोज हेयर कटिंग कराना रहा भाई, ऐसा के कर का माने। चल भाई की भीतर कटिंग करा दिया, एक बच्चा है अभी इसको पता नहीं किसी बात का। चल भाई, सो गाइस रोहित भाई ने कटिंग करा ली, आप देख सकते हो ये रोज कटिंग रहा भाई, इतने बड़े बाल भी रहने फिर भी कटिंग रहने का गणे रखी हो रहे। देख सको कटिंग दिखा दे भाई पब्लिक ने तेरी, पब्लिक का कड़ा कड़ा दिखा तू गांव में घर आना आके फिर दिखाएंगे तने। वैसे अच्छी कटिंग करा दी, पर एक सी बाल फिर भी ना कटवाता है, देख नुक्के नू है यार बाल, ये दो कैची मरा के दे आ अपने भूखे ने रपिए। चल भाई कोई ना तेरा घर रपियो रे, ताली मेरा ताला भाई, खावा पियो रोटी खाना पीना फिर चला के दूंगी, आज पार्टी देवगा अरसू भाई। चलो भाई, सो गाइस अब चलते हैं जवार लेने, बेरी चलते हैं जवार लेकर आते हैं, फिर आकर खाना खाते हैं। चलो चलो भाई, चलो चलो जाकर आकर सीधा खाना खाएंगे से। चलो गाइस अब आ गए हैं घर पर, आज बनाई है चटनी, चटनी के साथ एक नंबर हमें जाएगा घी लगाकर, और लस्सी मम्मी वहाँ पर रोटी पो रही है, फिर दे दे मम्मी इधर ये रोटी दे दे तू मैनू आज, इधर ही रोटी दे दे कि मम्मी, फिर यहाँ पर खाएंगे बैठ के, आज मजा आएगा, ठंडा ठंडा फ्रेश है बिल्कुल, गर्मी में वहाँ पर नहीं बैठ जाता यार ऊपर। चलो खाना खाते हैं गाइस, मैं तो अरसू भाई को ढूंढ रहा था, और अरसू भाई देखो ये पार्टी दे रहे हैं हमें, अभी तो पता नहीं क्या मन में आए नहीं कि एकदम ये सुबह तो बीकानेर में बैठाने की कह रहे थे ये भाई, और अभी मैं आया रोहित के पास, ये यहाँ पार्टी कर रहे हैं। मैं ले चल चिकन खवाऊंगा तेरे, रहने दे मैं चिकन खाया भी ना, चल भाई चिकन नहीं खाता तेरे, जो का खाऊ बीकानेर में बैठा वो खवाऊंगा भाई, जो चिकन खाऊंगा तो बर्फ बर्फ पड़ी है रहा है शायद ना, हाँ बर्फ जम रही है ना, फिर ना भाई फिर ठंडे तक हमारा चल रहा है, इतने फ्रेंच फ्राइज वगैरह ही नहीं गई थी। इतना बढ़िया बीकानेर में बैठ लिया हो, बीकानेर पे बैठ के बीकानेर पे के रे बीकानेर पे कब जान पे ये क्यों जाया बेकाम ने भाई ना, हम तो बीकानेर में बैठा भाई, हमने नहीं मेरा दोनों रोहित भाई इनको गुस्से में, क्योंकि ये पास नहीं होते, फेल हो गए थे दो बार, फेल की पार्टी दी थी रोहित भाई ने भाई, अरसू भाई जी थी ना फेल की पार्टी, सारे भाई पास की दिया रहा, रोहित भाई सब तो यूनिक है, फेल की पार्टी दी थी रोहित भाई ने, पार्टी दी थी ठीक से ना, राजी राखो मारी। तो भाई क्या करते खेलते हैं, अरे फिर एक अपनी स्क्रिप्ट तैयार कराएंगे, कल सोची थी टाइटल सोच लिया, थोड़ी बहुत डायलॉग वगैरह
ਕੜਾ ਛੋਟੇ ਉਹ ਦਾਲੀ ਮੱਠਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਦੌੜੀ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਹ ਕੋਣ ਮਗਾ ਉਹ ਖੜਿਆ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਤੇ ਸਾਨ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾੜਾ ਸਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ ਖੇਲ ਲੈਂਗੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਸਤੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵਾ ਭਾਈ ਤਾਲੀ ਖਾਵਾ ਪੀਵਾ ਖੇਲਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਗਾਇਸ ਅਬ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਪਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਬਾਪ ਰੇ ਹੈ उसका तो बना लूंगा आम माँ की कुछ झुके आम तो दो तीन तो आम में है टोटल है और काट डाल पिंकी से चल दो आम काट ले पहले फिर देखते हैं चलो भैया आम काटते हैं गाइस मैंने आम काट लिए अब इनको ग्राइंड करते हैं यार रसोई भी बंद है किचन तो इसको खोल लेते हैं तो मैं ग्राइंडर से बनाऊंगा जादू से जादू के पास ले यार पर तो कीड़ी भी यार जादू के पास से ले आए क्योंकि मिक्सी थोड़ी यार अच्छे की तरह काम नहीं करती वो तो अच्छी तरह उससे मैं जूस नहीं बनेगा तो अभी इसमें बड़े लोटे में डालकर कहाँ पर गया वो फ्रिज में देखना पड़ेगा चलो चलते चलो नहीं तो कीड़ियाँ चढ़ जाएंगी आम में यहाँ पर भी नहीं है वो दूध तो यहाँ से ले लेते हैं ये वाला मेरा सबेरे वाला जो मैंने सुबह नहीं पिया इस दूध से बना लेंगे आधे किलो दूध है दो आम अच्छा जूस बन जाएगा चलो भाई चलो ये रहे हुए यहीं पर था तो अच्छी तरह ग्राइंड करने के लिए मुझे जूस इसमें बनाना पड़ेगा बहुत ही अच्छा जूस बनेगा इसमें चलो बनाते हैं लेट्स गो सो गाइज अपना जूस तैयार हो गया है ग्राइंडिंग तो सो गाइज ये तैयार हो गया है देर से थोड़ा सा और एक दो सेकेंड और पीते हैं फिर ये कंप्लीट तैयार हो गया पीते हैं फिर चलते हैं बाहर चलो गाइज मैंने जूस बना लिया अब टेस्ट करते हैं कैसा है A1 जूस है गाइज बिल्कुल ठंडा ठंडा चिल्ड चिल्ड और मीठा हाँ आपका बहुत ही टेस्ट अच्छा आ रहा है आप ऐसे जो इसने बनाया तो अच्छा ही होगा पर रियली में गाइस अच्छा आके पी के देख लो एक बार से भी बहुत अच्छा है मेरी छींक आ रही है तो गाइस छींक तो चली गई है अब जूस पीते हैं फिर चलते हैं बाहर चलो तो गाइस अब हो गया शाम का टाइम हम जा रहे हैं और पीछे से रोडवेज जा रही है इसे कहते हैं हरियाणा का जहाज ये आ गया है गाइस साइड में से जा रहा हमारे वो लोग में ले लिए भाई ये तो कल नया रोडवेज फेमस हो जाएगी बता फिर भाई इनका भाई चल रहा है मिशा बेटा घूम फिर कहा हमने उद्दाली में चला अरे रोहित भाई कह रहे थे उद्दाली में कल हमने साफ की थी अपने खड़े की जगह वहाँ पर किसी ने तूड़ी वगैरह घेर दी अरे देखते क्या हो गया हमारे साथ पोपट कर दिया किसी ने चलो जाकर देखते हैं पोपट पूरा सिम्बा तेज हो रही है वो बैठ नीचे बैठ वाला
ओ कीड़िया ने खाओ था रे। गाइस हमारा खाड़ा थोड़ा बच गया बिल्कुल नॉर्मली थोड़ा थोड़ा बचा। देखो ये पराली यहाँ पर आई हुई है तो ये उठ जाएगी, बच गया यहाँ से कर देंगे। अब अपना का खाड़ा सेफ है बिल्कुल, यहाँ से बना देंगे इसको। ओके रिपोर्ट आ जाएगी। तो अब काड़ा भाई वहाँ पर ट्रैक्टर दिख रहा है लगे हुए, तो अभी आ जाएंगे उसको बहाकर फिर बनाते हैं। ओके चलो। तो गाइस हमने कुछ अखाड़ा तैयार कर दिया है, थोड़ा लेट हो रहा है। वैसे आज हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए था पर कल होगा कंप्लीट वो, तो इसलिए आपको कल ही दिखाएंगे कंप्लीट उसमें। तो आज हाफ ही हुआ है तो आज नहीं, कल ही दिखाएंगे कंप्लीट उसकी प्रोसेस कैसे कुछ कैसे हमने तैयार किया है जैसा अभी, तो कल ही दिखाते। अब चलते हैं घर पर, घूम फिर लिए थोड़ा अपना अखाड़ा आधा तैयार कर लिया, आधा रह गया उसमें रूटावेटर मारना रह गया है और कुछ हल्दी वगैरह गिरनी रह गई है, कल करते हैं। ओके चलो अब घर पर। गाइस मैं आ गया घर पर, नहा लिया, पूजा कर लिया, अब हो गया अपना खाना टाइम, खाना खाते हैं फिर बात करते हैं आपसे। तो आज खाने में भिंडी की सब्जी मेरी फेवरेट और रोटी बिल्कुल अच्छी अच्छी पूरा किया था मम्मी ने, एक नंबर देखो, और दूध। चलो खाते हैं, लेट्स गो। सो गाइस मैंने खाना खा लिया, बैठिंग हुआ, फिर सोऊंगा। तो काफ़ी अच्छा गया, सुबह से हमें कुछ भी मिल गया था वो, पर आप खाना तैयार करें क्योंकि यार क्या होता आजकल बच्चे आप देखते हो कि कोई भी बच्चा आजकल गेम नहीं करता, सभी छोटे छोटे बच्चे बिगड़ते रहते हैं आपस में, लड़ते झगड़ते रहते हैं। हमारी उम्र के बच्चे मतलब हमारे गांव में करीब हम 4-5 ही हैं जो ग्राउंड पर जाते, नहीं तो कोई नहीं जाता। नहीं तो पहले जो हमारे पापा दादा परदादा हुआ करते हुए पूरी उम्र खेलते रहते थे बड़े होकर भी, मतलब आजकल फ़ोन का यूज़ इतना हो गया है कि बंदे ग्राउंड पर नहीं जाते कोई भी। मतलब यार आप वैसे नहीं तो कम से कम अपने फिटनेस के लिए सुबह से शाम घूमना, आजकल नशे पत्ते ज़्यादा हो गए हैं तो मुझे ये बहुत देखा। पर अब हम उन बच्चे आते हैं उनके लिए ग्राउंड तैयार हो जाएगा, हमारे लिए हो जाएगा, बच्चे खेल लेंगे। यार कुछ तो होगा, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, 19-20 फ़र्क तो पड़ेगा ना, तो इसलिए ही तो आप हमें ऐसे सपोर्ट कीजिए क्योंकि यार जितना वो होगा तो हम उतना ही अच्छा वहाँ पर कर पाएंगे, अपना उदाड़ी में बैकग्राउंड अपना बना पाएंगे अच्छी तरह। दोबारा से पहले था हमारा उदाड़ी में अच्छा, फिर बच्चों ने बिल्कुल तोड़ दिया था वहाँ से आना जाना, फिर हम एक दो ही रह गए थे, फिर हम स्टेडियम में जाने लग गए। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा से आराम आराम से जब हमारे पास से जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे, मतलब अपना यूट्यूब से अब जब तक एक बार हमारे यूट्यूब से नहीं कमाने लग जाए तो एक बार तो वहाँ पर तो इतना अच्छा बैकग्राउंड बना देंगे। मुझे चाहे गांव के घर घर जाकर बच्चे निकालने पड़ो पर मैं निकाल दूंगा, बस एक बार यार हो जाए भगवान की दया से आपके प्यार से। तो आज के लिए इतना ही, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ क्योंकि आजकल बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। और मैं सभी माता पिताओं से एक ही बात कहूँगा गाइज, क्योंकि जितना हो सके अपने बच्चे को कम से कम दिन में एक बार शाम को बाहर खेलने जरूर भेजना, कि पूरा दिन उसको किताब में या फिर फ़ोन में डाले रखें। किताबी कीड़े बनकर बच्चा पागल हो जाता है, उसको कुछ नहीं सोचता, बस किताबी दबा ही ज्ञान नहीं होता उसको, क्योंकि हमारे उसको ऐसे नहीं पता होता बच्चों कि मेरा काका अलग मेरा दादा अलग कुछ हो कह देते हैं। तो आजकल माहौल बहुत ख़राब हो रखा है मुझे भी पता है, तो आप समझ गए क्या कहना चाहिए। अपने बच्चे को बाहर निकालो, खिलाओ उसको यार अच्छी तरह, वो करो मतलब खुद बॉडी फिटनेस के लिए बीमारी, और छोटे छोटे बच्चों में किसी में कुछ होया रहता है किसी में कुछ, मतलब इतनी बीमारियां फैल गई ना क्योंकि बच्चे खेलते नहीं खाते नहीं यार, घर पड़े रहेंगे एक जगह फ़ोन में ही देखते रहेंगे, चश्मे चढ़ जाते हैं बच्चों को हमारे आज तक नहीं चढ़े, हम 18 साल के हो गए। यार खान पान खेलना कूदने में बहुत फ़र्क है, मैंने ज़्यादा समय ले लिया आपका, पर आप समझ गए एक दिन आराम से बैठ के आपसे बातें करते हैं इसके बारे में। पहले अपना ग्राउंड तैयार कर लेते हैं अच्छी तरह, और जब मेरे पास ज़्यादा फैन फ्लोइंग होगी, ज़्यादा फैंस होंगे जब, तो और अच्छी तरह एक कभी मीटअप में कहेंगे ये बात है, क्योंकि यार जितना बाहर निकलोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना ग्राउंड प्रैक्टिस करो एक टाइम बहुत अच्छा रहेगा फिटनेस के लिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय, गुड नाइट।